right now. And press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. And press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. And press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 1 से 15 जनवरी के टॉप मोस्ट MCQs को। 1 से 15 जनवरी तक हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे MCQ के फॉर्म में। सो आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ MCQ डिस्कस करेंगे 1 से 15 जनवरी का, ठीक है। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप में से जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 15 डेज का है तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होंगे जो हमें करना है, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन फिर से दे देते हैं हमारी अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस के बारे में। जैसा कि डेली मैं आपको बताती हूँ, जनवरी मंथ में हमारी बस अब एक लास्ट बैच बची हुई है जो 27 जनवरी को स्टार्ट होगी। इसके बाद जनवरी मंथ में हमारी कोई भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट नहीं होगी। सो अभी भी आपके पास टाइम है, जिनको इनरोल करवाना है वो करवा सकते हैं। हमारी जो लास्ट बैच है जनवरी मंथ की, वो 27 जनवरी को स्टार्ट होगी। ये बैंक और SSC दोनों के लिए है और ये बाइलिंगुअल में होगा। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। प्लस आपको अगर इनरोल करवाना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mahendraos.org, ठीक है। सो आप में से जिनको भी एडमिशन लेना है ऑनलाइन बैच में, अभी भी आपके पास टाइम है, एडमिशन ले लीजिए 27 जनवरी के पहले। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अगर यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो गई है तो जल्दी से बताइए यस मैम, वी आर रेडी। अगर आप लोग तैयार हो तो हम सेशन को स्टार्ट करें। आज सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो जल्दी से बताइए, अगर आप लोग तैयार हो तो सेशन को स्टार्ट करें, जल्दी बताइए। ओके, वेरी गुड। सो सब लोग यहाँ पर तैयार हैं। अब जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है। संजू पांडा, संजू राय, संजू वर्मा, संजू शर्मा। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सिर्फ संजू मत बताइएगा हमेशा की तरह, क्योंकि संजू आपके चारों ऑप्शन में है, ठीक है। सो पूरा नाम बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइदर इट इज 1, 2, 3 और 4। जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। संजू पांडा, संजू राय, संजू वर्मा या फिर संजू शर्मा। ओके, वेरी गुड। आप में से बहुत से लोग इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज संजू वर्मा। वेरी गुड, संजू वर्मा इसका करेक्ट आंसर है। सो द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 बुक, इसके ऑथर कौन है? संजू वर्मा है। वेरी गुड, आप में से सबने इसका करेक्ट आंसर बताया है। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टाइटल। निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तमिलनाडु, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का टाइटल इनमें से किसने जीता है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4। तमिलनाडु, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। तो आप में से बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताया है और जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द CEBR। CEBR क्या है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। एज पर द CEBR, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। जितने भी क्वेश्चन है सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डेली करंट अफेयर सेशन में पढ़ चुके हैं, वीकली में भी पढ़ चुके हैं और बीच बीच में जब रिविजन करवाते हैं उसमें भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये हम लोग फोर्थ टाइम पढ़ रहे हैं। सो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। CEBR के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2025, 2028, 2031 या फिर 2030। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 2025, 2028, 2031 या फिर 2030। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2031। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन बिग सिटीज फर्स्ट इन 2022।
निम्नलिखित में से किस विभाग ने 2022 में सबसे पहले बड़े शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर कल्चरल डिपार्टमेंट? इनमें से किस डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो बिग सिटीज में 5G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे? सो ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कल्चरल डिपार्टमेंट होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। वेरी गुड, आप में से बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यमहा मोटर इंडिया ग्रुप? यमहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? इसिन सितारा, इसिन चिहाना या फिर मोटोफूमी सितारा? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यमहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यमहा मोटर इंडिया ग्रुप? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इसिन चिहाना। इसिन चिहाना हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यमहा मोटर इंडिया ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021? राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब 2021 में किसने जीता है? गीत सेठी, पंकज आडवाणी, यासीन मर्चेंट या फिर आदित्य मेहता? हु हैज वन द नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021? राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब 2021 में किसने जीता है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गीत सेठी, पंकज आडवाणी, यासीन मर्चेंट, आदित्य मेहता? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंकज आडवाणी। आप में से बहुत से लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूएस स्पेस एजेंसी नासा हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ साइक मिशन इन विच ईयर एंड मंथ? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस मंथ में साइक मिशन शुरू करने की घोषणा की है? जून 2022, अक्टूबर 2022, अगस्त 2022 या फिर मार्च 2022? किस मंथ में इसको लॉन्च किया जाएगा साइक मिशन को? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगस्त 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजनाथ सिंह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल्स प्रोडक्शन यूनिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की आधारशिला रखी है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर ऑलरेडी लीक हो चुका है मुझे पता है, बट फिर भी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की आधारशिला रखी है? सो आंसर इसको ऑलरेडी लीक हो गया था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मैसेजिंग ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी? हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था कि भारतीय सेना द्वारा कौन सा मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? अल्फा, असिग्मा, बेटा या फिर सिग्मा? अल्फा, बीटा, सिग्मा या फिर ए सिग्मा? सो ऑब्वियस सी बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए सिग्मा, और आप में से ऑलमोस्ट सबने इसका करेक्ट आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच IIT टीम हैज डेवलप्ड एफिशिएंट पर्वोस्काइट सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट? किस IIT टीम ने सूर्य के प्रकाश से बिजली का उत्पादन करने के लिए कुशल पेरोसाइट सौर सेल विकसित किए हैं? विच IIT टीम हैज डेवलप्ड एफिशिएंट पर्वोस्काइट सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट? IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे या फिर IIT कानपुर? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच IIT टीम हैज डेवलप्ड एफिशिएंट पर्वोस्काइट सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट? IIT मद्रास, गुवाहाटी, बॉम्बे, कानपुर? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT गुवाहाटी, और आप में से मोस्टली सबने इसका करेक्ट आंसर दिया है, सो वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संजय कुमार मिश्रा वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? संजय कुमार मिश्रा, इनको कौन से हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संजय कुमार मिश्रा वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? महाराष्ट्र हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट या फिर असम हाई कोर्ट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर असम? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड हाई कोर्ट। क्या है? उत्तराखंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वंदिता कॉल वॉज अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ PFRDA बोर्ड, हुम डिड सी रिप्लेस? वंदिता कॉल, जिनको PFRDA बोर्ड का पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उमेश रेवांकर को, मदनेश कुमार मिश्रा को, मृत्युंजय महापात्रा को या फिर वर्षा पुरांद्रे को? वंदिता कॉल, इनको क्या किया गया है? इनको पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है PFRDA बोर्ड का। आपको बताना है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है।
ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने, तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि वंदिता कॉल ने किसको रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मदनेश कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी, बीसी पटनायक, एच ओ सूरी या फिर संजीव नौटियाल। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने हैं? अश्विनी कुमार तिवारी, बीसी पटनायक, एच ओ सूरी या फिर संजीव नौटियाल। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने हैं? ओके वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एच ओ सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अचीव्ड द टॉप पोजीशन इन डिजिटल पेमेंट फॉर 2020 एंड 21। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने 2020 और 21 के लिए डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी बैंक। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अचीव्ड द टॉप पोजीशन इन डिजिटल पेमेंट फॉर 2020 एंड 21। सो वेरी गुड, डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड ओडिशाज लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु ओवर विच रिवर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने ओडिशा का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है टी सेतु, इसको किस रिवर के ऊपर उन्होंने इसका उद्घाटन किया है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर गंगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ओडिशा का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु है इसको किस नदी के ऊपर इसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोदावरी, महानदी, नर्मदा, गंगा। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट विद साउथ इंडियन बैंक टू इनेबल कस्टमर्स ऑफ द साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के ग्राहकों को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसने साउथ इंडियन बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? बैंक प्लस इंश्योरेंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है बैंक प्लस इंश्योरेंस। जब भी एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी कोलेबरेट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको हम बैंक इंश्योरेंस बोलते हैं। यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बैंक के कस्टमर्स को अपनी इंश्योरेंस फैसिलिटीज और प्रोडक्ट्स वगैरह क्या करती है, ऑफर करती है। ठीक है, सो बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? बैंक प्लस इंश्योरेंस। तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन से इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस एग्रीमेंट साइन किया है साउथ इंडियन बैंक के साथ। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। किस स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? इटारसी, ग्वालियर, बीना या फिर झांसी। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद आईपीपीबी दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज टू आईपीपीबी इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एचडीएफसी बैंक। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन से बैंक ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपको सभी पब्लिक सेक्टर बैंक की लिस्ट दी थी, जिसमें आपको मैंने एमडी और सीईओ किस बैंक के कौन है वो पूरा एक कंप्लीट लिस्ट दिया था। आई होप सो कि वो आपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा और आपको याद भी होगा। सो अब जल्दी से मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पीएनबी के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? राजकिरण राय, अतुल कुमार गोयल, श्याम श्रीनिवासन या फिर लिंगम वेंकट प्रभाकर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन टू ऑफर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस टू इंडिया यूजिंग यूपीआई आईडीज फॉर इट्स एमटीओ पार्टनर्स। किस बैंक ने अपने एमटीओ भागीदारों के लिए यूपीआई आईडी का उपयोग करके भारत को रियल टाइम सीमा पार प्रेषण की पेशकश करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ भागीदारी की है? आरबीएल बैंक,
इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? ये क्वेश्चन भी क्लास में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, सो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनपीसीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड नदी उत्सव टू ऑनर एंड कंजर्व रिवर्स? रिवर्स को ऑनर करने के लिए और उनको कंजर्व करने के लिए इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने नदी उत्सव को स्टार्ट किया है? किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव शुरू किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीआरडीओ हैज सेलेक्टेड विच कंपनी फॉर हैंडिंग ओवर द टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम? डीआरडीओ ने सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, सिका इंटरप्लांट सिस्टम, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज या फिर एनटीएआर टेक्नोलॉजीज? डीआरडीओ ने इनमें से किस कंपनी को सेलेक्ट किया है फॉर हैंडिंग ओवर द टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम? डीआरडीओ ने सीमा निगरानी प्रणाली की तकनीक सौंपने के लिए इनमें से किस कंपनी का चयन किया है? ये भी ऑलरेडी हमने क्लास में बहुत बार किया हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? किस भारतीय वन सेवा अधिकारी को वन महानिदेशक और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अशोक भूषण, जेके सिवन, पंकज जैन या फिर चंद्र प्रकाश गोयल? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर बताने से पहले एक बार आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और भी लोगों को बुलाइए हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। जल्दी से सेशन को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीपी गोयल, दैट इज चंद्र प्रकाश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम? बहुत बार इसको हमने डिस्कस किया है कि कौशल रोजगार निगम इसको किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। असम, राजस्थान, हरियाणा, बिहार? हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हम रिवीजन कर रहे हैं तो स्पीड को अपनी थोड़ी बढ़ाइए आप लोग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौशल रोजगार निगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड डॉक्टर वी एल दत्त ग्लिम्सेस ऑफ अ पायोनियर्स लाइफ जर्नी? डॉक्टर वी एल दत्त ग्लिम्सेस ऑफ अ पायोनियर्स लाइफ जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता, राहुल रवेल, बी एल इंदिरा दत्त या फिर एस एस ओबराय? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड डॉक्टर वी एल दत्त ग्लिम्सेस ऑफ अ पायोनियर्स लाइफ जर्नी? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वी एल इंदिरा दत्त। मैंने जब भी इसको पूछा है तो हमेशा आपको बताया है कि क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर भी वी एल दत्त है और यहाँ पर भी वी एल इंदिरा दत्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच यूनिवर्सिटी? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? मद्रास यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन किस यूनिवर्सिटी में किया गया है? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है रिसेंटली ऑन 2 जनवरी 2022 अब्दुल्ला हमदोक हैज रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? 2-3 दिन पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। हाल ही में 2 जनवरी 2022 को अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इजिप्ट, तंजानिया, सुदान या फिर येमेन? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुदान। हमने जब अक्टूबर नवंबर का रिवीजन किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सुदान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम अब्दुल्ला हमदोक है ना, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब शुरू की गई थी? जल्दी बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब शुरू की गई थी? ओके वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24 फरवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान?
हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अर्जुन स्वामी, रोहित कुमार, नीतीश कुमार या फिर फागु चौहान? हु हैज बी रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद बिहार विभूति सम्मान? बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्जुन स्वामी, रोहित कुमार, नीतीश कुमार या फिर फागु चौहान? सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईज माई ट्रिप? इसको भी हमने 2-3 बार क्लास में डिस्कस किया है कि ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, विजय राज, वरुण शर्मा, स्मृति मंधाना या फिर बोथ ए एंड बी? ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, विजय राज एंड वरुण शर्मा, ये दोनों लोग क्या बने हैं, ईज माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द हॉस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बीवैक्स गॉट DCGI अप्रूवल फॉर यूज इन इंडिया। हु इज द इनकम्बेंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? हाल ही में ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बीवैक्स को भारत में उपयोग के लिए DCGI की मंजूरी मिली है। भारत के अवलंबी औषधि महानियंत्रक कौन है? अमित कुमार, वीजी सोमानी, के वेणुगोपाल, मिलन के बनर्जी? वेरी गुड, आपके आंसर आने लगे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीजी सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन आर्मी हैज इस्टेब्लिश्ड द क्वांटम लैब एट द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट इज MCTE इन मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर इन विच सिटी? भारतीय सेना ने किस शहर में सैन्य मुख्यालय युद्ध में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्वांटम लैब की स्थापना की है? वाराणसी, इंदौर, लखनऊ या फिर रांची? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इंडियन आर्मी ने क्वांटम लैब का एस्टेब्लिशमेंट इनमें से कहां पर किया है? सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पास्ड द कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 टू रेगुलेट स्लॉटर, कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल? निम्नलिखित में से किस राज्य ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को पारित किया है? केरला, असम, मिजोरम या फिर मणिपुर? इनमें से कौन से स्टेट ने द कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 2021 को पास किया है, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड नीट 3.0, अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशन एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट 3.0 को लॉन्च किया है, जो एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो बेस्ट डेवलप एडटेक सॉल्यूशन और कोर्सेज प्रोवाइड करेगा हमारी कंट्री में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। आपको बताना है कि इस नीट का फुल फॉर्म क्या है, ऑलरेडी 5-6 बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इन जनवरी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन टू हेड द एनर्जी मेजर ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस? हाल ही में जनवरी में ऊर्जा प्रमुख ONGC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलका मित्तल, सोमा मोंडल, फाल्गुनी नायर या फिर शोभा श्रीमत्री? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलका मित्तल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेंटर हैज रिलीज्ड ओवर हाउ मच अमाउंट टू ओडिशा टू एक्सपेडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन द स्टेट? केंद्र ने राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए ओडिशा को कितनी राशि जारी की है? 800 करोड़, 840 करोड़, 890 करोड़ या फिर 830 करोड़? सेंटर हैज रिलीज्ड ओवर हाउ मच अमाउंट टू ओडिशा टू एक्सपेडाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन द स्टेट? राज्य में जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर ने ओडिशा गवर्नमेंट को कितना अमाउंट एलोकेट किया है? वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 830 करोड़। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने तिब्बती बौद्धों का पारंपरिक नववर्ष लोसार महोत्सव मनाया है? मैंने आपको फेस्टिवल का भी कंप्लीट लिस्ट दिया था, आई होप वो भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा।
सो बताइए लोसार फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख, गोवा, दामन दीव, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजय गालानी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एन व्हाट, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड। विजय गालानी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? वो एक एक्टर थे, डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन थे या फिर प्रोड्यूसर थे? विजय गालानी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? और इसका आंसर फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यही दोनों आ रहा है। जब भी आता है ये दोनों आंसर आता है, डायरेक्टर भी आता है, प्रोड्यूसर भी आता है, और बार बार मैं आपको बताती हूँ ये आंसर नहीं ये आंसर होगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोड्यूसर। ये डायरेक्टर नहीं, प्रोड्यूसर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू कोविड-19 वेरियंट IHU हैज बीन डिटेक्टेड इन विच कंट्री? किस देश में नए कोविड-19 संस्करण IHU का पता चला है? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर डेनमार्क? किस देश में नए कोविड-19 संस्करण IHU का पता चला है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन या फिर डेनमार्क? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी, सतीश शिंदे, सुनील कुमार या फिर सुरेश प्रभु? हु हैज बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इज इट ऑप्शन 1, 2, 3 या 4? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? रेलवे बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? ओके, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IRDAI हैज सेलेक्टेड 3 ऑफ इट्स इंश्योरर्स एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स DSIIA फॉर 2022 एंड 23। आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन इंश्योरर इज नॉट अमंग देम। आपको ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया था। IRDAI ने 2022 के लिए अपने 3 बीमाकर्ताओं को घरेलू व्यवस्थित रूप में महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में चुना है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नहीं है वो। आपको बताना है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी उन 3 में से नहीं है जिनको DSIIA के लिए सेलेक्ट किया गया है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस या फिर द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सो वेरी गुड, इसका आंसर आप सबको पता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। इसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर कार्ड टोकनाइजेशन? कार्ड टोकनाइजेशन के लिए SBI कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है? गूगल पे, HDFC बैंक, मास्टर कार्ड या फिर पेटीएम? SBI कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर कार्ड टोकनाइजेशन? वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेटीएम। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? पेटीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द विनर ऑफ द रेड इंक अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 के लिए रेड इंक अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। दानिश सिद्दीकी, रोहित सरदाना, अरफा खानम शेरवानी या फिर राणा आयुब? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दानिश सिद्दीकी होगा, रोहित सरदाना होगा, अरफा खानम शेरवानी होगा या फिर राणा आयुब होगा। नेम द विनर ऑफ द रेड इंक अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दानिश सिद्दीकी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? दानिश सिद्दीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ बैंकसोरेंस एग्रीमेंट विद साउथ इंडियन बैंक टू इनेबल कस्टमर्स ऑफ द साउथ इंडियन बैंक? ये ऑलरेडी अभी हमने किया था, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद IPPB टू ऑफर बैंकिंग सर्विसेज ऑफ IPPB इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज? ये भी हमने कर लिया था, और इसका आंसर था HDFC बैंक। ये भी हो गया था। ओके, क्वेश्चंस रिपीट हो गए, एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हो गए हैं। वेट, मुझे लग रहा है मेरी स्लाइड्स कॉपी 2 बार हो गई है। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अचीव्ड द टॉप पोजीशन इन डिजिटल पेमेंट फॉर 2020 एंड 21, ये भी हमने कर लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए यहाँ से हमने नहीं किया था, वो स्लाइड दो बार कॉपी हो गई है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन सावधि जमा लॉन्च किया है। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर रिटेल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। What will be the correct answer of this question? Which of the following has recently launched green fixed deposit for retail and corporate customer? Very good. इसका जो correct answer है वो है IndusInd Bank. चलिए next question is, which country has recently developed an artificial intelligence capable of charging people with more than 97% accuracy, replacing prosecutor to a certain extent? किस देश ने हाल ही में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित की है जो अभियोजकों की जगह एक निश्चित सीमा तक 97% से अधिक सटीकता के साथ लोगों को चार्ज करने में सक्षम है? जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबल ऑफ चार्जिंग पीपल विद मोर देन 97% एक्यूरेसी, रिप्लेसिंग प्रोसिक्यूटर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना, और आप में से ऑलमोस्ट सबने इसका करेक्ट आंसर बताया है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली ये हो गया है आई थिंक, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 3 ब्रिजेस बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड वर्चुअली 3 ब्रिजेस बिल्ट बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल एट द 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 4थी बार पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अमित चौहान, ललित यादव, नीतीश कुमार, सुमित पांडे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल एट द 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अमित चौहान, ललित यादव, नीतीश कुमार या फिर सुमित पांडे, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीतीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द अप्रॉक्स जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर 2021 एज पर द डेटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में लगभग जीएसटी संग्रह कितना था? मैंने आपको जीएसटी कलेक्शन की कंप्लीट लिस्ट दी थी जनवरी से दिसंबर तक, सो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन कितना था। 1.29 करोड़, 1.11 करोड़, 1.08 करोड़ या फिर 1.44 करोड़, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.29 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंडियन नेवी विल कंडक्ट द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन इन फरवरी 2022 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, भारतीय नौसेना फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान का आयोजन करेगी? पणजी, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर या फिर कोची। द इंडियन नेवी विल कंडक्ट द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलान इन फरवरी 2022 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पणजी, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर या फिर कोची, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एयरलाइन कंपनी विस्तारा, विस्तारा के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? इसको मैंने आपको याद करवाया था ना, कैसे होगा, वी फॉर विस्तारा एंड वी फॉर जो इनका नाम था, सो ऑब्वियस बात है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विनोद कन्नन। सो विस्तारा के जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं उनका नाम विनोद कन्नन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी बैंक्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बाय आरबीआई, दैट इज डीसीब, इनको हम डीसीब बैंक बोलते हैं। आपको बताना है कितने बैंकों को आरबीआई द्वारा घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2, 3, 4, 5, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
सो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थ्री होगा. कौन कौन से बैंक है? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी विच हैज रिसेंटली हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैप. दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है जिसने हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया है? सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए. विच कंपनी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी विच हैज रिसेंटली हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैप. सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एप्पल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिप्टो वायर हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो करेंसीज इंडेक्स. हाउ मेनी क्रिप्टो करेंसीज विल बी मॉनिटर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. क्रिप्टो वायर ने भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया है. आपको बताना है इस प्लेटफॉर्म पर कितनी क्रिप्टो करेंसी की निगरानी की जाएगी. इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्रिप्टो वायर के द्वारा. और कितनी क्रिप्टो करेंसीज को ये प्लेटफॉर्म मॉनिटर करेगा? इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयुष मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी एट विच प्लेस. आयुष मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने हाल ही में किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की आधारशिला रखी है? हैदराबाद, देहरादून, आगरा, इंदौर. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी का फाउंडेशन स्टोन कहां पर रखा गया है? जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद. चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आरबीआई हैज गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक टू द एयरटेल पेमेंट बैंक. विच शेड्यूल इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 गिव्स दिस स्टेटस टू बैंक्स. आरबीआई ने रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक को अपने शेड्यूल लिस्ट में शामिल किया है. आपको बताना है ये आरबीआई एक्ट 1934 के किस शेड्यूल में आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड. ये सेकेंड शेड्यूल में आता है. सो एयरटेल पेमेंट बैंक को आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है? अपने शेड्यूल लिस्ट में शामिल कर लिया है. इसके पहले, थोड़े दिन पहले, इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक को भी अपने शेड्यूल लिस्ट में शामिल कर लिया था. मैंने आपको बताया था ऑलरेडी टोटल 6 पेमेंट बैंक है, जिनमें से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और क्या नाम है, पेटीएम पेमेंट बैंक. इन सबको क्या किया गया है? शेड्यूल लिस्ट में शामिल किया गया है. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द इंडियन हु हैज बीन गिवन द चार्ज एज चेयर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टूरिज्म कमिटी फॉर 2022. उस भारतीय का नाम बताइए जिसे 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रभार दिया गया है. हर्षवर्धन श्रृंगला, विकास स्वरूप, टीएस त्रिमूर्ति या फिर सैद अकबरुद्दीन. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Who has been given the charge as chair of UN Security Council Counter Terrorism Committee for 2022? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 जल्दी बताइए. What will be the correct answer of this question? Very good. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है TS त्रिमूर्ति. ठीक है, इसका आंसर क्या है? TS त्रिमूर्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक फर्स्ट इन द ARIIE 2021. ARIIE का फुल फॉर्म क्या है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट. विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक फर्स्ट इन द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021. इज इट IIT दिल्ली, इज इट IIT बॉम्बे, इज इट IIT कानपुर और इज इट IIT मद्रास. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में कौन से इंस्टीट्यूशन को फर्स्ट रैंक पर रखा गया है? सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन हैज बीन लॉन्च्ड बाय KVIC इन विच प्लेस. भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन KVIC द्वारा किस स्थान पर लॉन्च की गई है? गुरुग्राम, लखनऊ, गाजियाबाद, देहरादून. इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, इसको KVIC के द्वारा कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जल्दी बताइए, इसको भी हमने बहुत बार पढ़ा है. भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन KVIC द्वारा कहाँ पर लॉन्च की गई है? गुरुग्राम, लखनऊ, गाजियाबाद, देहरादून.
वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाजियाबाद। कहाँ पर किया गया है? गाजियाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत घोषाल, अभिजीत बैनर्जी, रजनी बख्शी या फिर जगदीश भगवती। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ममता बियॉन्ड 2021? ममता बियॉन्ड 2021 बुक के ऑथर कौन है, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन भी हमने 3 बार, नहीं 2 बार किया था, तीसरी बार कर रहे हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयंत घोषाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द एनएसओ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फिजिकल ईयर 2021 एंड 22। एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? आपको बताना है एनएसओ के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी कितना एस्टिमेट किया गया है, 10.2%, 8.2%, 7.2% या फिर 9.2%। ऑलरेडी हमने आपको जीडीपी ग्रोथ रेट की पूरी लिस्ट दी है और बहुत बार दी है, तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9.2%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 22 एज पर इंदिरा। वो हमने एनएसओ के अकॉर्डिंग पढ़ा, अब यहाँ पर हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है? इंदिरा के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना एस्टिमेट किया गया है। सो आंसर लीक हो गया है, ऑब्वियस सी बात है, बट उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर क्या है? 9.3%। आंसर लीक हो गया था इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेट हैज बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट स्टेट अवार्ड किसको मिला है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट फॉर द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022। किस राज्य को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के मेजबान के रूप में नामित किया गया है? इसको भी मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है, सो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, केरला, छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू SBI इको रैप रिपोर्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 22। SBI इको रैप रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है, 9.7%, 9.1%, 9.5% या फिर 9.3%। SBI इको रैप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्ट किया गया है, जल्दी बताइए। हमने एनएसओ का देख लिया, हमने इंदिरा का देख लिया, अब हम किसका देख रहे हैं? SBI इको रैप के अकॉर्डिंग। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन रिसेंटली सक्सेसफुली डिप्लॉयड बाय विच स्पेस एजेंसी इनटू द स्पेस। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है? रॉस्कोसमॉस, इसरो, नासा, जेक्सा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन रिसेंटली सक्सेसफुली डिप्लॉयड बाय विच स्पेस एजेंसी इनटू द स्पेस। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सेलेक्टेड विच कंपनी फॉर इंप्लीमेंटिंग द सेकेंड फेज ऑफ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण को लागू करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? इंफोसिस, एक्सेंचर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर टेक महिंद्रा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सेलेक्टेड विच कंपनी फॉर इंप्लीमेंटिंग द सेकेंड फेज ऑफ द पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। इंफोसिस, एक्सेंचर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर टेक महिंद्रा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। चलिए अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये तो अब तक आप लोगों को रट गया होगा। हु अमंग दीज हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
इनमें से किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, बिरल आचार्य या फिर बिमल जलान, इनमें से किसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? जल्दी बताइए, रट गया होगा आप लोगों को। वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिल्म हैज वन द गोल्डन ग्लोब 2022 बेस्ट फिल्म इन द मोशन पिक्चर कैटेगरी? मोशन पिक्चर कैटेगरी में किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द पावर ऑफ द डॉग, किंग रिचर्ड, वेस्ट साइड स्टोरी, बीइंग द रिकॉर्डर्स। मैंने आपको बताया था ना, डॉग में इतनी पावर थी कि उसने क्या किया, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिला दिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेयर हैज वन द 2021 फाइट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? किस खिलाड़ी ने 2021 फाइट वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीता है? इयान नेपोमिनाचेती, मैग्नस कार्लसेन, नॉडिरबेक एब्रुसतोरो या फिर गैरी कैस्पेरो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच प्लेयर हैज वन द 2021 फाइट वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नॉडिरबेक एब्रुसतोरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व ऑफ इंडिया एज पर द डेटा बाई आरबीआई? भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का नवीनतम मूल्य क्या है? ये भी हमने डिस्कस किया है दो तीन बार। सो ये सारा रिसेंट पढ़ा हुआ है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा जल्दी में ही पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 633.614 बिलियन डॉलर। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड टू रिप्लेस गीता गोपीनाथ? गीता गोपीनाथ को रिप्लेस करके आईएमएफ दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? ये भी अब तक आप लोगों को रट गया होगा। बताइए, गीता गोपीनाथ को रिप्लेस करके आईएमएफ के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? पैब्लो मोरिनो गार्सिया, पियरे ओलिवियर गोरिंजस, पॉल हिल्बर्स या फिर पियोटर ट्रेबिंस्की। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पियरे ओलिवियर गोरिंजस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रिस मॉरिस हु हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट रिप्रेजेंटेड विच कंट्री? क्रिस मॉरिस, जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। क्रिस मॉरिस, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट अनाउंस किया है, वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर साउथ अफ्रीका। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकेम द 73rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली? रिसेंटली इंडिया के 73rd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा, भारत सुब्रमण्यम, गुकेश जी या फिर मैग्नस कार्लसेन। मैंने ग्रैंड मास्टर का भी पूरा आपको लिस्ट दिया हुआ था, वो भी आई थिंक आप लोगों ने कॉपी में नोट डाउन किया होगा और याद भी किया होगा। सो 73rd ग्रैंड मास्टर इंडिया के रिसेंटली कौन बने हैं? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत सुब्रमण्यम। क्या है? भारत सुब्रमण्यम है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? भारत सुब्रमण्यम। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किसने टॉप किया है? सिंगापुर और जापान ने किया है। इंडिया की रैंक कितनी है? 83 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम? इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अरुंधति भट्टाचार्य, अनीता देसाई, नौरीन हसन या फिर गौसालिया शंकर। इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये इनमें से किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? नेशनल यूथ डे, आप पूरी करंट अफेयर भूल जाएंगे बट आप नेशनल यूथ डे तो नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम, कि नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड हाई लेवल कमिटी टू लुक इनटू द अलीग्ड सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पंजाब विजिट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी? सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा में कथित सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति नियुक्त किया है, इस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक जोशी, एस साहू, सुधीर कुमार सक्सेना या फिर इंदु मल्होत्रा। दो कमिटी बनी है, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, एक
होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाई गई है उसके जो चेयरपर्सन बने हैं वो इंदु मल्होत्रा हैं। इंदु मल्होत्रा इसके चेयरपर्सन बनी है, और जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है उसके कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे टू हेल्प रेलवे पैसेंजर्स गेट बैक देयर लॉस्ट लगेज। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम बताइए जिससे रेल यात्रियों को उनका खोया हुआ सामान वापस मिल सके। आपको बताना है उस मिशन का नाम क्या है। मिशन देवी शक्ति, मिशन संपत्ति, मिशन अधिकार या फिर मिशन अमानत, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिशन अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आरबीएल बैंक। बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सा बना है एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में, किसको बेस्ट प्राइवेट बैंक घोषित किया गया है? वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल इन पुडुचेरी। हाल ही में पीएम मोदी जी ने पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 25th, 10th, 20th या फिर 15th। नेशनल यूथ फेस्टिवल के कौन से एडिशन का इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है पुडुचेरी में? 25th, 10th, 20th या फिर 15th, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 25th एडिशन। चलिए इसका आंसर बताइए। अली खान इस्माइलो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अली खान इस्माइलो इनको किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया। अली खान इस्माइलो को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर आर्मेनिया। ये क्वेश्चन भी हमने 2-3 बार किया है। बताइए ये कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? अली खान इस्माइलो। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड फॉर Q1 ऑफ 2022। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था है ना कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, तो बताइए कितनी है 2022 के Q1 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 90, 83, 72, 89। 90, 83, 72, 89। ओके, सो यहाँ पर 90, 83 दोनों आ रहा है, सो यहाँ पर 83 आंसर होगा। 90 ये 2021 में था, 2022 के Q1 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया है उसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 83। ठीक, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस बाई सीरियम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हवाई अड्डा सीरियम द्वारा समय पर प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरपोर्ट हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस बाई सीरियम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर December 2021। मैंने आपको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की भी कंप्लीट लिस्ट दी है, फ्रॉम जनवरी टू नवंबर मैंने दिया था और मैंने दिसंबर का उसमें आपको कहा था कि ऐड कर लीजिएगा। सो दिसंबर मंथ में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको दिया गया है? ट्रेंट बाउल्ट को, एजाज पटेल को, क्रिस वोकेस को या फिर जोस हेजलवुड को, किसको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है फॉर द मंथ दिसंबर? वीमेन कैटेगरी में इस बार दिसंबर मंथ में कोई भी अवार्ड नहीं है क्योंकि कोई मैच नहीं हुआ था, सो आपको बताना है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एजाज पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंस्टेंट 30-मिनट लोन अप्रूवल पोर्टल फॉर एमएसएमईज।
किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए तत्काल 30 मिनट का ऋण अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर फेडरल बैंक? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर फेडरल बैंक, आपको बताना है इनमें से कौन से बैंक ने इंस्टेंट 30 मिनट लोन अप्रूवल पोर्टल लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेडरल बैंक। क्या है इसका करेक्ट आंसर? फेडरल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला शहर है जहां जल मेट्रो परियोजना है? पुणे, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोची। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला पहला सिटी कौन सा है इंडिया का? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोची। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा? Which state has topped in terms of increase in forest cover as per India State of Forest Report 2021? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which state has topped in terms of increase in forest cover as per India State of Forest Report? Okay, very good. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कचाई लेमन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मैंने आपको बताया था लेमन को कैसे खरीदते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप लेमन को कैसे खरीदते हैं? मनी देकर खरीदते हैं, है ना। सो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। सो कचाई लेमन फेस्टिवल ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये मणिपुर में किया जाता है। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। Which state has finished first out of 26 states and union territories in the India Skill 2021 national competition with 51 medal? किस राज्य ने इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 51 मेडल के साथ 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पहला स्थान हासिल किया है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Which state has finished first out of 26 states and union territories in the India Skill 2021 national competition with 51 medal? So very good, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा हैज स्वॉर्न इन फॉर द फिफ्थ टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोस डेनियल ऑर्टेगा सावेद्रा ने पांचवें कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? इसका आंसर आप लोग हमें क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन, ठीक है। सो मुझे बताइए आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आए हैं? आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इसको लेकर? इसका आंसर जिनको पता है सो उनको मालूम होगा कि उनके आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आए हैं जल्दी से बताइए। सो यहाँ पर आउट ऑफ 100 मैं आपको बता दे रही हूँ जिनके भी 80 प्लस मार्क्स आए हैं, ठीक है। जिनके भी 80 प्लस मार्क्स आए हैं दे आर गुड, ठीक है। बट जिनके मार्क्स 80 से बिलो हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, एक बार नहीं पढ़ा है, हमने तीन बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर इसमें भी आपके बिलो 80 मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। सो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया था उनका एक बार फिर से 1st to 15th January तक का रिवीजन हो गया है। कल के सेशन में हम क्या करेंगे? वीकली करंट अफेयर सेशन लेकर आएंगे। इस वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसको हम कल रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर कल मिलेंगे हमारे वीकली करंट अफेयर सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.